We just met at the airport, and your friend is traveling to Mongolia first time. Yeah, ये मुझे suggest कर रहे हैं. और ऐसा लगा जैसे फ्रिज में बिठा दिया किसी ने, इतनी ठंड है और बड़ा खुशी हो रही है. ये देखो कितनी फ्रेश स्नो लग रही है ना. ये फ्लाइट बहुत ज्यादा छोटी है और अकेला इंडियन पूरी फ्लाइट में मैं ही हूँ. कोई इंडियन नहीं है पूरी फ्लाइट में. ऐसी कंट्री है जो दो तरफ से लैंड लॉक है. एक तरफ तो आता है रशिया और एक तरफ आता है इसके चाइना. और ये है कुछ ऐसा व्यू जो बाहर से दिख रहा है. गाड़ियों पे देखो फ्रेश स्नो पड़ी है. बिल्कुल कहते रात को स्नो होके हटी है, ये पड़ी स्नो भर भर के. थोड़ा सा अपने आप को इस ठंड का आदि बना लेता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इसे दुगनी ठंड है. दुगनी नहीं, तीन गुनी ठंड है. मैं आप लोगों को यहाँ का इमिग्रेशन तो बताना भूल गया. इमिग्रेशन वाला इतना पोलाइट था. उससे मेरे से ये देखो, ये भाई हैं टैक्सी ड्राइवर हैं, ये बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग मास्टर. राइट, मास्टर. इन्होंने मुझे कार्ड दिखाया, कहता मैं बॉक्सिंग मास्टर हूँ. ये मुझे भाई मिले हैं और मुझे कहते हैं कि साथ ही चलते हैं. व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हम जा रहे हैं एक और नए सफर पर, एक और नई कंट्री में. और ये है दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल. बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं मंगोलिया और पूरा मंगोलिया को एक्सप्लोर करेंगे. और ये कंट्री आई थिंक मेरी सेकंड कंट्री है. आई थिंक आई एम श्योर ये मेरी सेकंड कंट्री है. और इसके बाद हम ये कंट्री एक कंट्री नहीं ट्रैवल करेंगे, इस बार बहुत सारी कंट्रियाँ ट्रैवल करेंगे. और इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए मेरे साथ रहिए. अभी चलते हैं दिल्ली और रात की मेरी फ़्लाइट है. यहाँ पे हो गई सुबह, दिल्ली जाते हैं. फटाफट निकलते हैं, पैकिंग शैकिंग होगी सारा. इस बार नए बैग भी लिए, एयरपोर्ट जाके दिखाता हूँ दिल्ली. सी यू गाइस, मिलते हैं दिल्ली. इस बार भी नहीं बताया मैंने पिछली बार की तरह मैं कहाँ जा रहा हूँ. मम्मी को कहा ब्लॉग्स में देख लेना. इस बार बता देना, जाएगा बता दूंगा. ब्लॉग्स देख लेना, ब्लॉग चेक करते रहना. मम्मी पीछे खड़ी है, कैमरे के आगे आने का मन नहीं करा. जो चलते हैं जल्दी, लेट ना हो जाऊं. सी यू, दिल्ली जाके मिलता हूं. सेम प्लेस सेम जगह पर नई डेस्टिनेशन इस बार एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ. जब भी मैं फ्लाइट बुक करता हूँ बोर्ड हमेशा जो लेट गेट होता है हर बार आखिरी क्यों मिलता है हमें? कभी सोचा है कभी? हमेशा जब भी ट्रैवल करो ये स्टार्टिंग वाले गेट पता नहीं किन के होते हैं, हमारे हमेशा ही लास्ट में होते हैं. समझ नहीं आया कभी आज तक मुझे तो. वैसे जेन्युइनली यार आपने नोटिस करा होगा जब भी आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, सो जो आपका बोर्डिंग गेट होता है ना वो सबसे आखिरी आपको ही मिलता है. बैड लक साथ ही ले चलते हैं हम जहाँ चलते हैं. एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग. एयरपोर्ट पुराना है लेकिन देश हमें नहीं जाना है. मेरा नाम है लव और मेरे चैनल का नाम है लव कैमरा एक्शन. और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ. जिसने अब तक मेरी चाइना की सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करें. रिसेंटली मैं चाइना होके आया था. अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत एडवेंचरस किया और ऐसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जो आई थिंक हमने टीवी में देखते थे बचपन में. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जंग जिया जी, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो सीरीज़ नहीं देखी है, ज़रूर चेकआउट करना. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री में, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था एक्सप्लोर करने का. दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल. अब बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा और जिन लोगों को पता लग गया तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि कौन सी जगह है. वैसे आप थंबनेल से पता लग जाएगा क्योंकि थंबनेल में लिख दूंगा मैं मंगोलिया उलनबत्तार जो उसकी कैपिटल है, वहाँ जा रहा हूँ. पूरी दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल है. अभी दिल्ली में टेम्परेचर है लगभग 14-15 के आसपास और मैंने अभी वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर था ऑलमोस्ट 25 के आसपास, -26 आ रहा था. मंगोलिया का वीज़ा, रिसेंटली मंगोलिया ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है तो मैंने वीज़ा पहले ही लगवा लिया था. और वीज़ा बहुत आसान है, तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी फ़्लाइट टिकट, बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे मिस्टर फरहान का नंबर दे दूँगा, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप और उनसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. उनके छोटे से मिनिमम जो चार्जेस है वो चार्जेस लेंगे. और इमिग्रेशन की बात करते हैं, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था. उन्होंने मेरे साथ मजाक करने लगे कि मंगोलिया तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ कैसे सर्वाइव करोगे, इन कपड़ों में तो सर्वाइव कर नहीं सकते. तो मैंने उनको समझाया कि मैं वहाँ जाके बाय करूँगा. और सब सडनली मेरा प्लान बना मंगोलिया जाने का, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम विंटर बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर करी हैं. तो मुझे उनमें से एक लगा कि मंगोलिया बहुत कम लोग जाते हैं. जैसे इमिग्रेशन वाला मुझे कह रहा था कि मंगोलिया कौन जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं. मोस्ट ऑफ लोग मंगोलिया विंटर्स में नहीं जाते, समर्स में जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया. एक तरफ इसके
चाइना लगता है और एक तरफ इसकी रशिया लगता है, और बहुत कम पॉपुलेशन है, लीस्ट डेंस पॉपुलेशन कंट्री बोलते हैं मंगोलिया को। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी पॉपुलेशन है 3.3 मिलियन और लीस्ट डेंस कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो मंगोलिया के कैपिटल में रहते हैं, मोस्ट ऑफ मंगोलिया खाली पड़ा हुआ है। तो 50 to 60% इसकी जो अभी भी पॉपुलेशन है वो अभी भी नोमैड वे में रहती है। नोमैड वे होता है एक तरह का, अपने जो गोबी डेजर्ट है या उनके जो भी जंगल है उनमें रहती है और ट्रैवलिंग करती रहती है, एक जगह नहीं रहते हैं, एक तरह का वो कह सकते हैं आप इसको। और बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्साइटेड अंदर जाने से भरा बैठा हूँ कि अंदर जाके बहुत सारी जगह, मंगोलिया जाके बहुत सारी जगहों का एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी रिसेंट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको मेरे राजस्थान वाली सीरीज़ में आपने देखा होगा, मेरे एक दोस्त है पुलकित, तो मैंने वहाँ से रिटर्न की टिकट नहीं करवाई थी। मैंने उसको कॉल करी, मैं कह रहा मैंने वापस की टिकट नहीं करा रखी तू, और मेरी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, ये वापस की टिकट मांगते हैं ना कि रिटर्न टिकट दिखाओ। तो मैंने उसको कॉल करा, उसने मेरे एक मिनट में काम कर दिया, थैंक यू पुलकित, और कमेंट्स में भी लिख देना पुलकित थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा ईजी हो गया मुझे। मैं आपको टिकट्स का प्राइस बता देता हूँ, टिकट्स मेरे को सडनली मैंने बाय करी तो मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी, मुझे लगभग ये टिकट 42,000 रुपीज़ की पड़ी है, वन वे, नॉट अ सिंगल वे, वन वे। और इस बारी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री एक्सप्लोर करें, एक कंट्री एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आई होप आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहे होंगे। 83% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली और हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इस साल। श्योर मैं आ गया हूँ कजाकिस्तान अलमाटी। ओ भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा यहाँ पे 8 घंटे का ले हो रहा है, उन्होंने मुझे एग्जिट दे दिया, कहते जाओ बाहर जाओ, जब मानो दोबारा फिर आ जाना 8 घंटे बाद। मैंने सामान रखा, इंडियन भाई मिल गए थे, उनके पास सामान रख दिया मैंने, सिर्फ बैग अपने पास है जिसमें सारे लैपटॉप और मेरा पासपोर्ट है। और अभी मैं उसके बाहर खड़ा हूँ अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओह पहली बार ज़िंदगी में मैंने माइनस में टेम्परेचर देखा है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर है -8 और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसा दिखता है। थोड़ा थोड़ा ना ओल्ड सोवियत जैसे USSR था ना, इस आज के टाइम का जो रशिया है, थोड़ी थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है। ये है एयरपोर्ट यहाँ का, जिसका नाम है अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये है कुछ ऐसा व्यू जो बाहर से दिख रहा है। गाड़ियों पर देखो फ्रेश स्नो पड़ी है, बिल्कुल कहते रात को स्नो होके हटी है, ये पड़ी स्नो भर भर के, ऐसे लद्दाख में होती है। और मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनहेल कर रहा हूँ ना मैं अंदर ना ज़्यादा ही ठंडी हवा जा रही है। और मेरे मुझे लगा था शायद मैं इतना विंटर झेल जूँगा, पर बहुत ज़्यादा यार फील हो रहा है अभी यहाँ पे। अभी एक सेकंड बाहर अंदर बैठा था मैं, तो थोड़ी देर पहले ना मैं अंदर बैठा था, मेरे को लगा चल 8 घंटे यहीं है, 4 घंटे का ले हो रहा है तो यहीं टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो कहता यहाँ बैठना अलाउड नहीं है, बाहर चले जाओ, बाहर से दोबारा चेक इन करना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा बाहर गया और ऐसा लगा जैसे फ्रिज में बिठा दिया किसी ने, इतनी ठंड है। और बड़ा खुशी हो रही है, ये देखो कितनी फ्रेश स्नो लग रही है ना, ये देखो क्रिसमस का ट्री, इधर देखो क्रिसमस का ट्री बिल्कुल। ओहो कैसे लोग रहते होंगे आप इतनी ठंड में। थोड़ा सा अपने आप को इस ठंड का आदि बना लेता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इसे दुगनी ठंड है, दुगनी नहीं 3 गुनी ठंड है, ज़्यादा भी हो सकती है, 3 गुने से भी ज़्यादा हो सकती है। चलो अब अंदर चलते हैं। वैसे मेरा मार्केट घूम के आने का मन था, तो मैं सोचे छोड़ कर क्या मार्केट जाना, सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगली बार मैं ना वो शोल्डर वाला बैग लेके आऊँगा, उससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। बंदे ने कितनी ज़बरदस्त बना रखी है, यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती है ज़्यादातर ना, SUVs, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा, अटक अटक क्या रहा है। अंदर ही चलता हूँ, बेटर है कि यही बीमारी ना होगी गिर जूँ मैं। ओहो हाथ फ्रीज हो रहे हैं बाहर, तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ठंड है नहीं, पर ये ठंड वो वाली ठंड है जैसे आप कभी कोई लद्दाख में गया होगा, मैं लद्दाख नहीं गया, लद्दाख में हवा चलती रहती है ठंडी ठंडी, तो वैसा फील आ रहा है कि ठंडा ठंडा माहौल है। आपको मुंह से धुआं निकलता दिख रहा होगा, मैं अंदर जाऊंगा ये धुआं बिल्कुल गायब हो जाएगा, अंदर पूरा हीटर माहौल बना रखा है। जहाँ पहले आया था मैं वहाँ बहुत ज़्यादा था, अभी यहाँ पे हीटर बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद ज़्यादा लोग बैठने लगे होंगे, दुखी हो जाएंगे, हम हीटर बंद ही कर देते हैं। मैं आप लोगों को
यहाँ का इमिग्रेशन तो बताना भूल गया। इमिग्रेशन वाला इतना पोलाइट था, उससे मेरे से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया, कहता लव वाह सच अ नाइस नेम, ओह लेट्स गो, बस इतनी बात हुई। और पासपोर्ट को उन्होंने इतनी गहराई से चेक करा ना, मशीन लगा वो लगा, मे भी यहाँ से कुछ इलीगल होते होंगे इस करके उन्होंने इतना डीप चेक करा पासपोर्ट को, दो बारी तीन बारी मेरी तरफ देखा और उसके मजाक भी पूरा मजाक करता रहा। पर मोस्ट ऑफ लोगों से मैंने ये सुना है कि आजकल जो चल रहा है ना वो कजाकिस्तान का इमिग्रेशन में थोड़ी इमिग्रेशन ऑफिसर रूड बात करते हैं। चलो देखते हैं फिर वापस आएंगे जब यहाँ से कहीं और से बाय लैंड बॉर्डर, तब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तो मेरे को बड़ा प्यार से वीज़ा करा उन्होंने और कहते जाओ, 14 दिनों का वीज़ा मिला, मैं 14 दिन तक यहाँ रह सकता हूँ, पर अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। सो वापस शायद आते हुए यहाँ पे होके आऊँगा, मैं आऊँगा 4-5 दिन। एक मुझे यहाँ पे इंडियन भाई मिले हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर जगह है, इसको 4-5 दिन यहाँ के लिए रखो, एक्सप्लोर करना इसको, बहुत सारी जगह है। पर अभी विंटर्स पड़ गए हैं तो वो जगह थोड़ी सी छुप गई हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर, समर में ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। वो इंडियन भाई अभी गए हैं। अभी मैं यहाँ पे कजाकिस्तान एयरपोर्ट पे बैठा था और मुझे मिली ज़म्बाका। हाय, ये वी जस्ट मेट एट द एयरपोर्ट, योर फ्रेंड इज ट्रैवलिंग टू मंगोलिया फर्स्ट टाइम। ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मंगोलिया में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और इनका एक एयरबीएनबी है, मैंने पहले बुक करवा लिया था। बिजनेस वूमेन तो मैंने पहले ही बुक करवा लिया था, तो मैं इनके एयरबीएनबी में तो रुक नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा कि इनके एयरबीएनबी पे कहाँ पे है इनका एयरबीएनबी, एड्रेस लेके आपको बता दूंगा। सो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना कि इनका एयरबीएनबी कैसा है। अभी हम चल रहे हैं फ्लाइट की तरफ, देन फिर मिलते हैं। ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा छोटी है और अकेला इंडियन पूरी फ़्लाइट में मैं ही हूँ, कोई इंडियन नहीं है पूरी फ़्लाइट में, और बहुत छोटी है, मैं पहली बार इतने छोटे प्लेन में बैठ रहा हूँ। देखते हैं लोग आ रहे हैं, सारे मंगोलियन ने एक दो से बात करी है मैंने, देखते हैं। हेल्पिंग है, मुझे तो अब तक ऐसे लगे कि हेल्पिंग है, लोग बहुत इजीली मदद कर रहे हैं। अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है जब धीरे धीरे डेस्टिनेशन के पास आ रहे हैं ना। मैंने अपने आप को पूरी तरह पैक कर लिया है, जो मेरे पास कपड़े थे इंडिया से लेके आए हैं, और ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो अंदर ही है, हीटर चल रहे हैं। मंगोलिया में एंट्री हो गई है, इमिग्रेशन इतना स्मूथ था, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, हंसते रहे बस बेचारे, बड़ा पोलाइट सा इमिग्रेशन था, कुछ भी नहीं पूछा। एक लेडी थी जो वहाँ पर मिली थी, ज़म्बाक जिसका वो है हाउस है, उसने एक टैक्सी ड्राइवर से अरेंज करा दिया, $25 है। ये है वो $25 वाला टैक्सी ड्राइवर, से हेलो हेलो। इनको यहाँ कोई इंग्लिश बहुत कम आती है, मैंने एटीएम से, यहाँ की करेंसी है वो तुगलिक है, यहाँ से एटीएम से मैंने करेंसी निकलवा ली है, 2 लाख तुगरिक, एज़ कम्पेयर टू $1 में 1,000 तुगलिक है। शायद मैं आपको भी बता नहीं, मुझे मैं बाद में बताऊँगा कि क्या कंपैरिजन है। और दूसरा टैक्सी वाला ड्राइवर मिला रात को, फाइनली अभी नहीं, गेट खुलने तो फिर बोलते हैं। होट, ओ बॉय गॉड, -25 में आपका स्वागत है। फाइनली हमारी सेकंड कंट्री में एंट्री हो चुकी है, और इस जर्नी का नाम मैंने सोचा है जर्नी टू 1 लाख, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। और बहुत ठंड है लिटरली, अभी मैंने सिम नहीं लिया, नहीं तो आपको टेम्परेचर दिखाता, आप टेम्परेचर देख लेना। और यहाँ पे एक सबसे चीज़ बताओ, गाड़ी को बंद नहीं करते, टैक्सी वाला था इसने गाड़ी बंद नहीं करी एयरपोर्ट में लेने आया, देखो गाड़ी ऑन है, धुआं छोड़ रही है, चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ है। वो एक हमर खड़ी गाड़ी है, दिख रही है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। चलो बैठते हैं। मैं लाइफ में आज तक -4 तक गया हूँ, -25 आज तक नहीं गया। डू यू नो बट द टेम्परेचर 20 कह रहे हैं, पर मैंने जहाँ पे देखा था वहाँ 25 था। ओ भाई गॉड यार, सच में मैं पहले सोचता था यार हाथों को कैसे ठंड लगती होगी, हवा तो चल नहीं रही, कुछ नहीं चल रहा, और हाथों को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना, मैं 2 सेकंड बाहर ही रख पा रहा, ओह मर जाऊंगा भाई।
रुक जा बैठता हूँ, पहले बैग सेट करके फिर बैठता हूँ। आह, सो कोल्ड। वेलकम टू मंगोलिया। कभी कुछ हो रहा है मेरे पास। अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन का। सो कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट एक सिंपल सी स्माइल, देन वेलकम टू मंगोलिया। इवन आपसे टिकट भी नहीं पूछते, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। देखते हैं, आई होप रशिया का भी इतना स्मूथ हो, वो तो पता लग ही जाएगा आपको क्या हुआ, वीडियोस में पता लगता रहेगा। और इस जर्नी का नाम मैंने रखा है जर्नी टू 1 लाख। हमें 1 लाख सब्सक्राइबर इस ट्रिप, मतलब ऑल ओवर ट्रिप, जब तक ये ट्रिप चल रहा है तब तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। 83% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो हमें कोशिश करनी है, आप लोगों को मेरा साथ देना है इस जर्नी में। और नाक से कुछ कुछ बहने लगा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है यार, -25 हो गए। पर एक बार बताता हूँ आपको, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यहाँ पे ना 2 सीजन होते हैं, एक समर का, एक विंटर का। वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 सीजन होते हैं, आई मीन टू से घूमने के 2 सीजन होते हैं। आप यहाँ पे समर में आओगे तो पूरा डिफरेंट ग्रीन दिखेगा, अभी तो माइनस चल रहा है, 27 हो गया सिटी में आगे ना। और अगर नॉर्मल जाओगे तो 35 तक चल जाता है, 35-36 तक चल जाता है, इतना गर्म भी हो जाता है यहाँ पे। रशिया में भी यही सिस्टम है, रशिया थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है पर इससे। ये देखो, ये भाई हैं टैक्सी ड्राइवर हैं, ये बॉक्सिंग बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग मास्टर, राइट, मास्टर। इन्होंने मुझे कार्ड दिखाया, कहता मैं बॉक्सिंग मास्टर हूँ। और तब मैं सोचूं यार ये ग्लव्स क्यों लटका रखे हैं इन्होंने यहाँ पे ना, तो कहता मैं बॉक्सिंग मास्टर हूँ। बड़ा अमेजिंग है। और ऐसे पैक होके बैठा हूँ मैं, आगे बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे यार। ये देखो, हम लगभग 1 घंटे से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने, मेरे को लगा था शायद जल्दी पहुंचेंगे, अब मुझे लग रहा है कि जितने मैं दे रहा हूँ शायद वर्थ है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। लीस्ट डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है ये यहाँ पर। मैं अपने हॉस्टल में पहुंच गया हूँ, हॉस्टल का टूर आपको सुबह दूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 12 बज गए यहाँ पे, और इधर उधर बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ज़ोर से। तो कल मिलते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शावर शूवर लेके सोता हूँ और सुबह